साथियों, जीवन मरण, यश अपयश, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करके हम अपना बुरा वक्त टाल सकते हैं। दोस्तों, पहला कार्य तो ये है कि हमें अपने घर में नित्य प्रति कर्पूर जलाना चाहिए। कर्पूर के धुएं से घर का वास्तु दोष दूर होता है, साथ ही घर भक्ति भाव से भर जाता है। इसके साथ ही एक आवश्यक कार्य जो है वो ये कि घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि तुलसी जी का पौधा बदल सकता है आपका भाग्य। हमारी सनातन हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को सबसे पवित्र माना गया है, न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी का पौधा बहुत ही उपयोगी माना जाता है। बिना तुलसी के कोई भी धार्मिक आयोजन पूरा नहीं होता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें तुलसी के पत्ते को एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय नहीं तोड़ना चाहिए। इसी तरह रात में भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। हमारी धार्मिक मान्यताओं में ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है, ऐसा बताया गया है। बिना किसी कारण के तुलसी जी के पत्ते को तोड़ना या उन्हें नष्ट करना पाप बताया गया है। घर में तुलसी जी का रोज पूजन करना चाहिए। हर शाम तुलसी जी के पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी को हमें घर आंगन में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। तुलसी का पौधा घर में होने से बुरी नजर नहीं लगती। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना भी वर्जित है। यदि घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब अथवा कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। सूखा तुलसी का पौधा घर में होने से तरक्की प्रभावित होती है। हमारा देश आस्था और मान्यताओं का देश है। हमारी आस्था ही है कि हम सबको जोड़कर रखती हैं और हम प्रकृति में भी परमात्मा का वास मानते हैं। और धार्मिक मान्यताएं तो हैं ही, जिनका न सिर्फ धार्मिक आधार है बल्कि विज्ञान भी उन्हें मान्यता देता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।